दोस्तों अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि हम लोग अभी एक युद्ध से अभी उभरे भी नहीं थे कि दूसरा युद्ध शुरू हो गया है, दूसरा जंग जो है वो शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इससे पहले आपने रूस यूक्रेन का युद्ध देखा, रूस यूक्रेन का युद्ध भी अभी पूरी तरीके से थमा नहीं है, और हमास और इसराइल की लड़ाई तो आप देख ही रहे हैं। पिछले 3 महीने से हमास और इसराइल की जंग में 21,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों को खत्म कर दिया गया है। इसराइल ने 21,000 फिलिस्तीनी नागरिकों को, ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, ये तो सिर्फ कागजी आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आंकड़े इससे भी कई ज्यादा है। लेकिन आज जुमे के दिन एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है कि कैसे एक और युद्ध जो है वो शुरू हो गया है। दक्षिण कोरिया ने, जी हाँ दक्षिण कोरिया ने और उत्तर कोरिया में जो है वो लड़ाई शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर और तमाम प्लेटफॉर्म पर अब यही खबर आग की तरह वायरल हो रहा है कि कैसे जो है उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया है। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया है, 200 गोले दाग दिए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स की हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, और भी कई पोर्टल है उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या पूरी जानकारी है, किस तरीके से जो है इन दो जानी दुश्मन जो देश है उसके बीच कैसे युद्ध शुरू हो गया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया है, उत्तर कोरिया की सीमा से लेकर दक्षिण कोरिया के सीमावर्ती इलाके तक 200 गोले दाग दिए गए हैं। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई सीमा के पास के गांव को खाली कराना शुरू कर दिया है। इस तरीके से गोले दागे गए हैं कि वहां पर जो है जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव है, उन तमाम इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया पारंपरिक प्रतिद्वंदी है, ये लोग हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, जानी दुश्मन है। कट्टरता जो इन लोगों के बीच है दोस्तों, वो हमेशा से है। उत्तर कोरिया, जैसा कि आप सभी को एक और जानकारी दे दे कि उत्तर कोरिया जो है अमेरिका को अपना नंबर वन दुश्मन मानता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध से चीन और ताइवान के बीच भी युद्ध की आग भड़क सकती है। ऐसी जानकारी, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन और ताइवान के बीच भी जंग की आगाज शुरू हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वैसे तो कई देश एक दूसरे से जंग करने के लिए लगातार जो है इस पूरे युद्ध में, हमास और इसराइल की जो जंग में देखने को मिला था कि कैसे दो जो है फाड़ हो गया था, पूरी दुनिया दो फाड़ में बच गई, कुछ इसराइल के साथ नजर आए तो कुछ फिलिस्तीन के साथ नजर आए। और ऐसे में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का आपस में टकराना, ये एक और बड़ी अहम बड़ी खबर जो है पूरी दुनिया के लिए साबित हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों की लड़ाई शुरू हुई है, जंग शुरू हुआ है, इससे कई लोगों का, कई मुल्कों का नुकसान जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। कैसे किंग जोंग उन जो है वो लगातार हमास का साथ दे रहे हैं, हमास का समर्थन दे रहे हैं, चीन के साथ मिल रहे हैं, और चीन और ताइवान के भी युद्ध की आशंका जाहिर की जा रही है। एबीपी न्यूज के हवाले से खबर सामने आई है दोस्तों कि किंग जोंग उन ने साउथ कोरिया में मचाई तबाही, नॉर्थ कोरिया ने दागे 200 गोले। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर से 200 राउंड बम के गोले दागे। हालांकि ये बम दक्षिण कोरिया इलाके में नहीं गिरे, लेकिन फिर भी इलाके में अफरा तफरी का माहौल जो है वो मच गया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने इस हमले की जानकारी दी है। सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण की ओर योन प्योंग द्वीप की ओर बड़ी 200 राउंड आर्टिलरी फायरिंग की है। जी हाँ, आर्टिलरी फायरिंग की है। इसके तुरंत बाद दक्षिण कोरिया ने भी द्वीप पर रह रहे 2000 लोगों को इलाके खाली करने की चेतावनी दे दी है। दक्षिण कोरिया ने इस कदम की निंदा की है और इसे उकसाने वाली कार्रवाई जो है वो करार दिया है। राव रिपोर्टिंग जो है उनकी हवाले से ये खबर निकल कर सामने आई है कि कैसे जो है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बिगनिंग ऑफ नॉर्थ कोरिया, तो जो है राव रिपोर्टिंग ने इस पूरी खबर की जानकारी दी है। और आपको बता दें दोस्तों कि अतीत में भी हमले हुए हैं इन लोगों के बीच। हाल ही में साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव को कम करने के लिए समझौता हुआ था, लेकिन जाहिर है इस घटना के बाद ये समझौता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दिसंबर 2022 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया सीमा से सटे समंदर में बम बरसाए थे। साथ ही 2010 में भी किंग जोंग उन ने योन प्योंग द्वीप पर हमला किया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। और एक बार फिर से ये हमला तेज हो चुका है, लोगों को वहां से
उस इलाके से निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है। तमाम लोगों को कह दिया गया है कि इस इलाके में आप लोग जो है पूरी तरीके से अपना घर खाली कर दें। अब देखिए दोस्तों, एक जंग हम लोग देख ही रहे थे कि किस तरीके से लोगों की जाने जा रही थी, निर्दोष लोग इस जंग में जो है शहीद हो रहे थे, लेकिन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की लड़ाई से और लोगों की जाने जा सकती हैं, ऐसा जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि कैसे जो है इस जंग से पूरी दुनिया में तबाही जो है मच सकती है, फिर से लोग जो है दो फाड़ हो जाएंगे, पूरी दुनिया दो फाड़ बढ़ जाएगी और फिर जो दुश्मन है वो एक साथ हाथ मिला लेंगे और फिर ये लड़ाई जो है किस हद तक आगे बढ़ जाएगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इसराइल फिलिस्तीन की लड़ाई आपको दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, अस्त व्यस्त हो चुके हैं, बच्चे खासकर बच्चे महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो आप लोग लगातार देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से बर्बरता इसराइल कर रहा है, पूरी दुनिया उसे लानत भेज रही है, उस पर थूक रही है कि जो जेनोसाइड इसराइल कर रहा है, नेतन्याहू सरकार कर रही है, उसको फौरन रोकना चाहिए, लेकिन इधर फिर से एक और जंग शुरू हो गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।